आज ही सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स को और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं एक ऐसा फेस पैक जो कि आपकी स्किन के ड्राइनेस को दूर करके विंटर सीजन में आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रखेगा। दोस्तों, ये जो फेस मास्क मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी से भी भरपूर है। इस वजह से ये आपकी स्किन से एजिंग साइंस, एजिंग स्पॉट्स को रिमूव करके आपकी स्किन को एकदम से ग्लोइंग बनाएगा। तो ये फेस मास्क जो है केवल दो इंग्रेडिएंट की हेल्प से तैयार होगा, और दोनों ही इंग्रेडिएंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही ज्यादा विटामिन एंड मिनरल से भरपूर हैं, और आपकी स्किन को यंगर लुक देने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और देखते हैं कि कैसे हमने इसको तैयार करना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में छोटू सा बेल आइकन आ रहा होगा उसे जरूर प्रेस कीजिए, तभी आपको सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहेंगे। और मेरा दूसरा चैनल है इंडियन वाइफ ऑन ड्यूटी, उसको भी सब्सक्राइब करके मेरे उस फैमिली का भी हिस्सा बन जाइए, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। तो फटाफट से देखते हैं कि कैसे हमने फेस मास्क को तैयार करना है। इस फेस मास्क को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बॉल के अंदर 1 स्पून भरकर हनी का लिया है। हनी के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखती हैं, हमारी स्किन की ड्राइनेस को दूर करती है, और हमारी स्किन से रिंकल्स, फाइन लाइंस को रिमूव करके हमारी स्किन को एकदम से टाइट बनाती है। दोस्तों, जो हनी होता है ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज से भरपूर होने की वजह से हमारी स्किन में कसाव लाता है, यानी कि स्किन को टाइट एंड ग्लोइंग भी बनाता है साथ साथ। तो यहाँ 1 स्पून मैंने हनी लिया है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ, 1/2 लेमन, लेमन का जूस मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। लेमन विटामिन सी से भरपूर होता है जो हमारी स्किन पर ग्लो लाता है, वाइटनेस लाता है, हमारी स्किन कॉम्प्लेक्शन को एक शेड जो है वाइटन ब्राइटन करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेमन जूस ले रही हूँ 1 स्पून के करीब। ये मैंने 1 स्पून लेमन जूस यहाँ ले लिया है, और अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा ये फेस मास्क जो है बनकर तैयार हो गया है। मैं इसके सीड्स को जो है बाहर निकाल देती हूँ। सीड्स मैंने निकाल दिए हैं और ये पैक जो है, ये मास्क जो है ना, बनकर तैयार हो गया है। केवल 2 इंग्रेडिएंट की हेल्प से हमारा ये फेस मास्क बनकर तैयार हुआ है, जो कि नेचुरल तरीके से हमारी स्किन पर ग्लो लाएगा और स्किन प्रॉब्लम को रिड्यूस करेगा, मॉइस्चराइज रखेगा स्किन को। तो अब आपने इस फेस मास्क को अपनी क्लीन फेस के ऊपर अप्लाई करना है और 10 मिनट के करीब लगाकर छोड़ देना है, और फिर नॉर्मल पानी के साथ अपनी स्किन को आपने वॉश कर लेना है। अगर आप वीक में 2 से 3 बार इस फेस मास्क को अपने फेस पर अप्लाई करते हो तो आपकी स्किन पर इंस्टेंट ग्लो बना रहेगा, और साथ साथ आपकी स्किन जो है टाइट रहेगी, रिंकल फ्री रहेगी। सो गाइस, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है ना, कितना सिंपल सा रेमेडी है और आप आसानी से इसको फॉलो भी कर सकते हैं। तो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कॉमेंट करके मुझे जरूर जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज कैसी लगती है और किस तरह के वीडियोस मुझे आपके लिए लेकर आनी चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय।